गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी सीएस थर्ड सेमेस्टर का जावा प्रोग्रामिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम जावा प्रोग्रामिंग को या जावा प्रोग्रामिंग की क्लास को आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे बेसिक सी बात है कि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को जानना आवश्यक होता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि जावा क्या है, जावा क्या करती है, तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक ऑफ जावा के अंतर्गत कि जावा की हिस्ट्री क्या है, अर्थात इसका इतिहास क्या है। तो जो जावा का इतिहास है या जो जावा की हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग से मतलब यहां पर क्या है, ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हम इसका स्वाद लेके पता कर सके कि कैसे इंटरेस्टिंग है। तो अब इसको इंटरेस्टिंग बनाने में आप और हम दोनों मिलकर इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कम से कम जो ये भी ये क्लास हो उसका वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद जहां पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए वो मेरे अकाउंट्स में आकर आप मुझसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप पीछे चले जाएंगे। और इसको देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स करिए, इसको शेयर करिए और लाइक भी किया करिए। तो जैसे कि हिस्ट्री ऑफ जावा की मैं बात कर रहा हूं, तो जावा की हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जावा वाज ओरिजिनली डिजाइंड फॉर ए इंटरेक्टिव टेलीविजन। ये ओरिजिनली कहे के लिए डिजाइन की जा रही थी, एक आकर्षित करने वाली टेलीविजन। बट इट वाज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एट द टाइम। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि ये उस समय एडवांस टेक्नोलॉजी, डिजिटल केबल जो होती है ना टेलीविजन की, टेलीविजन इंडस्ट्री में डिजिटल केबल के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी का कार्य करने लगी। द हिस्ट्री ऑफ जावा स्टार्ट्स विद द ग्रीन टीम। जावा को जो डेवलप करने वाली टीम थी, जिन लोगों ने जावा को डेवलप किया था, उस पूरे लोगों का एक नाम दिया गया था ग्रुप का, जिसे हम लोग ग्रीन टीम के नाम से जानते हैं। तो जावा का जो इतिहास है वो कहां से शुरू होता है, ग्रीन टीम से होता है। और जो जावा की टीम मेंबर्स थे उन्हीं को हम लोग ग्रीन टीम कहते हैं। मतलब ग्रीन टीम अलग नहीं है, जावा टीम मेंबर अलग नहीं, ये दोनों
इनको जो नाम दिया गया, जावा को डेवलप करने वाले जो टीम मेंबर्स थे, जावा को जो बनाने वाले लोग थे, उनको हम लोग ग्रीन टीम के नाम से जानते हैं। इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट टू डेवलप ए लैंग्वेज फॉर डिजिटल डिवाइस सच एज सेट ऑफ बॉक्सेस टेलीविजन ETC। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद था, जावा बनाना नहीं था, लैंग्वेज बनाना नहीं था, इनका एकमात्र मकसद था सेट ऑफ बॉक्स। इस समय आप लोगों के यहाँ DTH लगे हुए हैं, तो सेट ऑफ बॉक्सेस टेलीविजन मतलब TV के लिए। हाउ एवर इट वॉज सुइटेड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग, और ये क्या हुई जो, और ऐसा सेट ऑफ बॉक्स या जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग को सूट करे। और बाद में क्या हुआ, जावा टेक्नोलॉजी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय नेटस्कैप, और ये क्या हुआ, ये जावा टेक्नोलॉजी जो इनकॉर्पोरेट हो गई वो नेटस्कैप के साथ। नेटस्कैप एक नेविगेटर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ना, उस तरह से नेटस्कैप भी होता है। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग जावा प्रोग्रामिंग वेयर, अब सबसे बड़ी बात थी जो ये जावा प्रोग्रामिंग ग्रीन टीम ने जो सर्विस लॉन्च की, उसको जावा प्रोग्रामिंग का उसका एकमात्र उद्देश्य था, वो क्या उद्देश्य था, सिंपल रोबस्ट पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सिक्योर्ड हाई परफॉर्मेंस मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर नेचुरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड एंड डायनेमिक। क्या क्या था, सिंपल साधारण, रोबस्ट मतलब भरोसेमंद, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब ये वर्ड थोड़े सा जावा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इसको समझाना चाहूँगा आप लोगों को। इसमें प्लेटफॉर्म वर्ड रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म लिया उसी से गया, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से, जैसे आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किए हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किए, उसी तरह से इस दुनिया में कंप्यूटर फील्ड में कई सारे प्लेटफॉर्म मींस कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन करने में सक्षम है। सिक्योर्ड हो मतलब सिक्योरिटी लेवल उसका हाई हो, परफॉर्मेंस उसकी क्या हो, हाई परफॉर्मेंस हो, जो रिजल्ट दे वो एक्यूरेट दे, मल्टी थ्रेडेड हो मतलब एक समय में एक से अधिक काम करने में सक्षम हो, और आर्किटेक्चर नेचुरल हो मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई अजीब सा हो, मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक तरीके से आर्किटेक्चर को सपोर्ट करे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, चूंकि आप लोगों ने C++ पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इंटरप्रेटेड हो, इंटरप्रेटेड मतलब एक जगह से दूसरी, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बड़ा आसानी से घुल मिल जाए, और साथ में डायनेमिक। C++ की आपने प्रोग्रामिंग की है ना, वो क्या थी, स्टैटिक प्रोग्रामिंग थी, उसको आप रन टाइम चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन ये इसमें डायनेमिक एप्लीकेशंस डेवलप किए जाएंगे। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग, जो इस टीम का ग्रीन टीम का हेड था उसका क्या नाम था, जेम्स गोसलिंग, जिसे हम हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा, जिसे हम जावा के पिता के नाम, पिता के रूप में जानते हैं, इन 1995। यहाँ थोड़ी सी मैं आपको पीछे लेके चलूंगा, अब मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री एक मिनट की मैं आपको समझा दूँ। जेम्स गोसलिंग और उसके टीम मेंबर्स ने 1989 में एक C++ लैंग्वेज को यूज करके एक नई लैंग्वेज डेवलप करने की सोची, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन टीम ग्रीन प्रोजेक्ट। और एक साल में उनने जब एक लैंग्वेज डेवलप किया, 1990 में वो एक लैंग्वेज डेवलप हुई, एक लैंग्वेज में कुछ नहीं बोल रहा, उस लैंग्वेज को डेवलप करने के बाद उसका नाम दिया गया ऑक, अभी आगे इसमें आएगा ऑक। फिर चूंकि ऑक एक पेटेंट नेम है, पेटेंट नेम का मतलब होता है उसको किसी ने पहले से पेटेंट कर रखा है, आप उसका यूज नहीं कर सकते, जैसे आपका नाम है
आपका नाम आपके घर में पेटेंट हो गया, अब आपके नाम से दूसरा आपके परिवार में नहीं हो सकता, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पेटेंट नेम था। तो 1995 21 मई 1995, एग्जैक्ट डेट आप लिखना चाहें 21 मई 1995 में इसको डेवलप किया गया था। जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम मेंबर्स स्टार्टेड द प्रोजेक्ट इन द अर्ली 90 में, बताया 59 में। करेंटली जावा इज यूज टू इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मोबाइल डिवाइसेस, गेम, ई बिजनेस सॉल्यूशंस, ईटीसी। जो जावा का यूज है वो कहाँ, इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए है, मोबाइल डिवाइसेस, गेम्स के लिए है, ई बिजनेस के लिए है, इत्यादि। देयर आर गिवन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ जावा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो जावा की हिस्ट्री को आप समझाएंगे। पहला है जेम्स गॉसलिन, माइक सेरिडन एंड पैट्रिक नाटन इनिशिएटेड द जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट इन जून 1991। मैंने बोला था 89 में शुरू होता, चलो फाइनली 90 में आया था, फिर 91 में द स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स कॉल्ड ग्रीन टीम। ये चार लोगों की टीम, एक्चुअल में एक नाम यहाँ मिस हो रहा है, उनने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और सन जावा पहले सन माइक्रो सिस्टम की थी ना, अभी बाद में ओरेकल ने इसको टेक ओवर कर लिया, तो अब ओरेकल जावा हो गई, पहले सन माइक्रो। तो उनने ग्रीन टीम नाम की एक टीम बनाई और इन्हें लैंग्वेज डेवलप करना शुरू किया। इनिशियल डिजाइन फॉर स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लाइक सेट ऑफ बॉक्स। शुरुआत जो इसकी थी वो लैंग्वेज की नहीं थी, वो क्या थी, सेट ऑफ बॉक्स टाइप का एक एम्बेडेड सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज कर सकता है। फर्स्टली इट वॉज कॉल्ड ग्रीन टॉक, सबसे पहले इसको क्या नाम रखा गया, ग्रीन टॉक बाई जेम्स गॉसलिंग, एंड द फाइल एक्सटेंशन वॉज द GT। शुरुआत में जब 90 पे आई थी ना, तब इसका क्या नाम आया था, ग्रीन टॉक, और उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट GT। आफ्टर दैट इट वॉज कॉल्ड ऑक, मैंने नाम लिया था, एंड वॉज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द ग्रीन प्रोजेक्ट। और फिर बाद में इसका नाम क्या रखा गया, ऑक। ऑक एक्चुअल में जहाँ जेम्स गॉसलिंग का ऑफिस था उसके जस्ट सामने एक पेड़ था ऑक का, उसी से इसको लिया गया था। मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। अब इसका नाम, जावा का नाम ऑक क्यों था, तो ऑक इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड चूजन एज ए नेशनल ट्री ऑफ मैनी कंट्रीज लाइक USA, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, ETC। सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ, ताकत, ऑक जो पेड़ होता है वो बहुत ताकत का सिंबल होता है, और कई देशों में का ये नेशनल ट्री भी है, जैसे USA, फ्रांस, जर्मनी आदि। इन 1995 ऑक वॉज रिनेम्ड एज जावा बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी ए ट्रेडमार्क बाई ऑक टेक्नोलॉजीज। क्योंकि ऑक नाम क्यों बदला गया जावा में, क्योंकि ऑक टेक्नोलॉजी का ये क्या था, पेटेंट नेम था, जिसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। व्हाई हैड दे चूजन जावा नेम फॉर जावा लैंग्वेज। अब जावा लैंग्वेज का जावा ही नाम क्यों पड़ा वो समझिए। द टीम गेदर्ड ए चूज ए न्यू नेम, द सजेस्टेड वर्ड्स वेयर। अब टीम को नहीं भाई, ऑक ने प्रॉब्लम कर दिया तो नाम चेंज करना था, तो उनकी टीम ने जो नाम लाए नए नए वो क्या थे, डायनेमिक, रिवोल्यूशनरी, सिल्क, जोल्ट, DNA, ETC, मतलब इतने नाम उनने बताए और सारे भी नाम थे। दे वांटेड समथिंग दैट रिफ्लेक्टेड द इंसेस ऑफ टेक्नोलॉजी, रिवोल्यूशनरी, डायनेमिक, लेवली, कूल, यूनिक एंड इजी टू स्पेल एंड फन टू से। अब इनमें, इन सारे नामों में, अब लेकिन जेम्स गॉसलिंग ने क्या कहा, जावा वाज वन ऑफ द टॉप चॉइस अलोंग विद सिल्क। जावा उनमें सब में क्या थी, टॉप चॉइस थी। सिंस जावा वाज सो यूनिक, मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर प्रेफर्ड जावा देन अदर नेम्स। मतलब जो टीम के बाकी मेंबर्स थे उसने जावा को प्रेफर किया कि भैया जावा नाम इसका रखा जाए। जावा इज एन आइसलैंड। अब जावा है क्या, एक आइसलैंड है जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, वेयर फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस्ड कॉल्ड जावा का। जो सबसे पहले कॉफी पाई गई थी वो उसी आइसलैंड में पाई गई थी, जिसे जावा कॉफी के नाम से जानते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ एस्प्रेसो बीन,
जावा नेम वॉज चूजन बाई जेम्स गॉसलिंग वाई हैविंग कॉपी नियर हिज ऑफिस। अब उसने जावा क्यों लिया, क्योंकि जेम्स गॉसलिंग के ऑफिस के पास ही कॉफी शॉप था। नोटिस दैट जावा इज ए जस्ट ए नेम नॉट ए एक्रोनिम। जावा का कोई जे ए वी ए का अलग अलग कोई मतलब नहीं है, ये एक नाम है, ठीक है। इनिशियली डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड सन माइक्रो सिस्टम, इसको कहा विच इज नाउ ए सब्सिडरी ऑफ ओरेकल का, मैंने बोला ना कि जावा को ओरेकल खरीद लिया है। इन 1995 टीम मैगजीन टाइम मैगजीन कार्ड जावा वंस ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ 1995। मतलब टाइम मैगजीन है, विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन है, उसने कहा था सबसे 1995 के टॉप 10 प्रोडक्टों में से एक जावा थी। JDK 1.1 रिलीज January 23, 1996, सबसे पहले इसका जो वर्जन रिलीज हुआ था 1.0 23 January 1996। आफ्टर द फर्स्ट रिलीज ऑफ जावा देर हैव बीन मैनी एडिशनल फीचर एडेड टू द लैंग्वेज। मतलब पहला फीचर्स उन्होंने बाद अलग अलग वर्जन आते गए और उनमें नए नए फीचर्स जोड़ते गए। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका जो पहले वर्जन जनवरी 23, 1996 में आया था, वो उसके जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट्स थे आज भी जावा में यूज करते हैं, जबकि अन्य लैंग्वेजेस में क्या होता है पिछले पार्ट्स को रिमूव कर दिया था, नए पार्ट्स को जोड़ दिया था। जावा में क्या है कि पुराने पार्ट्स तो हैं, नए पार्ट्स को उसमें एक्सटेंशन के रूप में जोड़ दिया था, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नाउ जावा इज बींग यूज इन विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मीन्स इतने एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और प्रत्येक जावा का जितने भी वर्जन है उसमें कोई ना कोई नया फीचर्स जरूर जोड़ा गया है। अब ये देखिए, ये ऑर्क ट्री था जो भी हमने बात किया था, इस तरह का पेड़ होता है, इसके नाम पर सबसे पहले जावा का नाम ऑर्क पड़ा था। अब जावा के वर्जन जो भी हम लोग वहां देखे, तो सबसे पहला वर्जन मैंने बताया था आपको कि JDK अल्फा एंड बीटा 1995 में, JDK 1.0 23rd Jan 1996, JDK 1.1 19th February 1997, J2SE मतलब जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन 1.2, ये 8 दिसंबर 1998 को लॉन्च हुआ था। फिर आया J2SE, ये भी है जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन 1.3 8 मई 2000 पे। फिर आया J2SE, ये भी जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन 1.4 6 फरवरी 2002, J2SE 5.0 30 सितंबर 2004, Java SE 6 जावा स्टैंडर्ड। अब 2 इसलिए हट गया कि ये 2000 वाले वर्जन थे, 2000 तक जो आए हैं, इसके बाद फिर इसको क्या कर दिया उसने Java SE के नाम से कहना शुरू कर दिया। तो Java SE 6 11 दिसंबर 2006, Java SE 7 28 जुलाई 2011, Java SE 8 18 मार्च 2014, Java SE 9 21 सितंबर 2017, Java SE 10 20 May 2018, और Java SE 11 इट इज करेंटली ओपन फॉर बग फिक्स। मतलब बन गई है लेकिन अभी इसमें इरर्स वगैरह ढूंढी जा रही है, अभी ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है। तो ऑफिशियली जो मार्केट में हम उसमें काम कर रहे हैं वो Java SE 10 पर काम कर रहे हैं आज की डेट पर। तो ये था जावा का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, आप लोग इसको पढ़िएगा, इस वीडियो को समझिएगा और बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे, तो मैं आपकी, मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई और प्रॉब्लम्स आए इसी से रिलेटेड तो आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू।